पाकुड़ जोहार जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले रघुवर दास का आज ये बता दें कि दिवसीय दो दिवसीय यात्रा थी वो खत्म हो गई है। अंतिम पड़ाव पर मुख्यमंत्री का जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सिमलोंग में थे वो। सिमलोंग के बाद मुख्यमंत्री का काफिला साहिबगंज के लिए निकल गया। दो दिनों तक मुख्यमंत्री का जिले के महेशपुर एवं लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र पर विशेष फोकस रहा। इन दो दिनों की यात्रा में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को रखा और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर करारा हमला किया। उन्होंने यात्रा के बहाने अपने संगठन की ताकत को जनाने के लिए आपको बता दें कि सीधे तौर पर कि किस तरीके से बीजेपी का क्या रुख है और संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी में भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास जुड़े हुए हैं ताकि अब की बार 65 पार के लक्ष्य को पूरा किया जा सके और उसके लिए संथाल परगना के पाकुड़ जिले की 3 सीटों की भूमिका अहम होने वाली है। संथाल परगना जो लिट्टीपाड़ा का विकास होनी चाहिए, आप खुद चिंता करें कि ये लोग ने जनता का विकास बजाय अपना विकास जरूर किया आपके नाम पर, आपके नाम पर वोट लेकर अपने मालोमाल हुआ, करोड़पति हुआ, लेकिन लिट्टीपाड़ा के हमारे संथाल समाज, हमारे पारिया समाज आज भी गरीबी बने हुए। उनसे पूछो आप, हम तो बरसों से आपको वोट दे रहे हैं लेकिन ये लिट्टीपाड़ा गरीब क्षेत्र क्यों है? ये आप के नेताओं से आप जरूर पूछो कि आपको तो बरसों से हम लोग वोट दे रहे हैं।